नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारे पास है इक्को गाड़ी है, मारुति की इक्को गाड़ी है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि हमने इस गाड़ी को आज तक जो लगभग 2.5 से 3 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो हमने इसको चला दिया है पूरे 50,000 किलोमीटर। तो पूरे 50,000 किलोमीटर का क्या एक्सपीरियंस है वो पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या एक्सपीरियंस था हमारा 0 to 50,000 किलोमीटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी हमने चला ली है गाड़ी को। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ कि हमने इसको पूरे 50,000 किलोमीटर से ऊपर चला दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, 51,552 किलोमीटर। तो देख सकते हैं दोस्तों, 51,552 किलोमीटर हमने चला लिया इसको। तो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गाड़ी को लेके आए, तो गाड़ी को हमने इसको जो नहीं लेके आई थी गाड़ी को, तो बाद में हमने सबसे पहले पेट्रोल पे थी गाड़ी, तो काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही थी और लगभग 17-18 के करीब दे रही थी। तो बाद में हमने जो इसके गैस किट करवा ली थी, LPG गैस किट पे हमने जो गाड़ी को करवा लिया था, तो उसके बाद भी गैस किट पे लगभग गाड़ी की माइलेज जो है वो थी, क्योंकि लोडिंग में चलती है गाड़ी, तो 250 की रेंज देती थी। जो एक टंकी है 15 लीटर की LPG गैस की, तो उसके अंदर 250 की एवरेज जो दे देती थी, 250 किलोमीटर चल जाती थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बीच में अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, काफ़ी अच्छा लंबा सफ़र रहा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी, आज तक अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि गैस किट की अगर हम सर्विस को देखते हैं तो सर्विस तो करवानी पड़ती है, वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई आज तक गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो सर्विस है, सर्विस अगर टाइम पे हम करवाते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थोड़ा जो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी को दी थी गाड़ी, तो इसके अंदर थोड़ा बैंड आ गया था बोनट के अंदर, ये देख सकते हैं, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है, ये देख सकते हैं, ये देखिए, एक बार जो कहीं पे लेके गए थे हम गाड़ी को, जो बैलगाड़ी होती है वो लेके आ रहे थे, और उसने एकदम जो इसके अंदर गाड़ी के अंदर घुस गया वो बैल गाड़ी लेके, तो उसके कारण यहाँ पे जो गाड़ी को लग गई थी। तो और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छी जो गाड़ी है जो काम कर रही है। और इसका जो एक ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, वो भी हमने एक्सचेंज करवा लिया था, और गाड़ी के अंदर अभी तक कुछ भी चेंज नहीं करवाया है। और एक जो चेंज हमने करवाया है वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि हमने क्या क्या चेंज करवाए थे, क्योंकि 30,000 किलोमीटर पे हमने जो है गाड़ी के टायर चेंज करवा लिए थे, तो वो भी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ, इक्को के साथ है। और जो एस्प्रेसो की गाड़ी है उसके अंदर बीच में प्रॉब्लम आई थी, वो भी वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो टायर जल्दी घिसने का 30,000 पे चेंज करवा लिए थे हमने, उसका रीज़न यही है कि ये लोडिंग में चलती है गाड़ी, और जो है एस्प्रेसो हमारी चली थी वो 1,03,000 किलोमीटर चली थी उसी टायर पे, तो उसका रीज़न ये था क्योंकि वो कच्चे रास्ते में चली थी और जो लोडिंग में नहीं चली थी गाड़ी, पर्सनल यूज में चली थी गाड़ी, तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं रहता, कभी कभार 5 सवार ही रहती है, कभी 4, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कच्चे रास्ते में चली थी जिसके कारण टायर जो है काफ़ी ज़्यादा चले थे, और इसके 30,000 किलोमीटर ही चले थे टायर। तो दोस्तों, ये था वीडियो में, तो अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ रहता है, वो पूरा डिटेल में आप बता सकते हैं हमें, जो है आप कमेंट करके आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डाल देना, हमें वीडियो बना देंगे, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो हमारा ये एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, जो बिल्ड क्वालिटी है इसके बारे में हमें तो आपको पता ही है मारुति की कैसी है, तो अगर हम अच्छे से ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस गाड़ी का अभी तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, और जो एस्प्रेसो है उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो यही था दोस्तों, गाड़ी अभी साफ पड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अभी मिलते हैं कोई इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।